मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू पापड़, जो बिल्कुल ही सिंपल मसालों के साथ ये पापड़ बनकर तैयार होगा। और इसे आप लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ये पापड़ है जो ख़राब नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस रेसिपी को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है बॉयल आलू। तो आलू को मैंने पहले ही बॉयल करके रखा था, ये हल्का सा गर्म ही है। तो जब भी आप आलू बॉयल करते हैं तो हल्का गर्म में ही छिलका इसे उतार लीजिएगा, तो आसानी से छिलका है जो निकल जाता है। तो यहाँ पर सारे आलू का छिलका जो मैंने निकाल लिया है, तो इसे मैं इस तरह से कद्दूकस कर लेती हूँ। कद्दूकस करने से फ्रेंड्स इसमें गुठली वगैरह कुछ भी नहीं बनेगा। फ्रेंड्स आप इस तरह से कद्दूकस नहीं करना चाहते हैं तो आप आसानी से इसे हाथ से भी मसल सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि इसमें गुठली वगैरह कुछ भी ना रहे, नहीं तो पापड़ सही से नहीं बनेगा। तो यहाँ पर सारे आलू को कद्दूकस कर लिया है। इसमें मैंने एक चम्मच खड़ा जीरा डाला है, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च का पाउडर, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ते और एक चम्मच मैंने इसमें रिफाइंड तेल डाला है। सभी को अच्छे से मिला दिया है, बिल्कुल ये रेडी हो गया। हल्का सा हाथ पर मैंने तेल घस लिया ताकि आलू का मिश्रण जो हाथ पर चिपके ना। ये देखिए, तो इसे ज़्यादा बड़ा नहीं रखिएगा, छोटा साइज का मैंने यहाँ पर गोला जो रेडी किया है। ये देखिए, इसी तरह से सारा मैं तैयार कर लेती हूँ। तो आप अगर चाहते हैं फ्रेंड्स कि बड़े साइज का पापड़ बनाना, तो थोड़ा सा आप इसे बड़ा साइज का भी गोले बना सकते हैं। मैंने लिया है प्लास्टिक और थोड़ा सा तेल से अच्छे से घास दिया है ताकि जब इसे रखेंगे आलू का मिश्रण तो इस पर चिपके ना, तो आसानी से निकल जाए। और दूसरे प्लास्टिक से आलू को ऊपर से कवर करके और इस तरह से प्लेट रख के हल्के से दाबना है और ये इस तरह से बिल्कुल ये रेडी हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ज़्यादा ज़ोर से नहीं दाबना, हल्के हल्के ही प्लेट को घुमाना है और ये आसानी से गोल जैसा बन जाता है दे और आसानी से ये निकल जाता है। ये देखिए, तो अब दूसरी बार आपको इसमें तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये आसानी से बनते जाएगा और निकलते जाता है, बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, सेम तरीका से ही आपको करना है। ये देखिए, बस इसे इस तरह से और इसी तरह से मैं सारे पापड़ को तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, नहीं लग रहा कि मैंने यहाँ पर बिल्कुल गोल शेप में पापड़ बनाए हुए, तो आप चाहे तो एक कोई भी गोल सर्कल का कटर ले ले और पापड़ को बीच में रखकर आप उसे गोल शेप में कट कर सकते हैं। अगर आपने आलू का पापड़ बनाए होंगे तो आप देखे होंगे बिल्कुल इसी तरह से घर पर बनता है तो तैयार होता है। जो मार्केट में मिलता है वो तो फ्रेंड्स मशीन से तैयार होता है, या तो उसमें आधा चावल का आटा या तो कॉर्नफ्लोर डाला रहता है, जिससे ये आसानी से बिल्कुल रोटी की तरह बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने सारे पापड़ जो बनाकर रेडी कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इसे सूखने में आपको 2 दिन लग जाएगा, तो इसे तेज़ धूप में ही 2 दिन तक सूखने दीजिएगा, तब आप उसे आराम से समय तक स्टोर रख कर सकते हैं। इसे पापड़ है जो ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2 दिन का धूप में हमारा पापड़ है जो बिल्कुल ही रेडी हो गया है। ऐसे आप चाहे तो फ्रेंड्स 2 से 3 साल तक चला सकते हैं, पापड़ है जो बिल्कुल आपका ख़राब नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है फ्रेंड्स। एक बार आप आलू का पापड़ है जो घर पर मेरे तरीके से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बस आपको इसको ध्यान रखना है कि जब भी पापड़ को आपको इसको फ्राई करना है तो इससे पहले आप इसे धूप में रख दीजिएगा ताकि पापड़ है जो थोड़ा बहुत अगर नमी हो तो वो अच्छे से धूप से कड़क हो जाए और फिर इसे आप तलकर खा सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो आलू का पापड़ है कितना खिला खिला सा बना है, ये देखिए। तो सारे पापड़ को मैंने यहाँ पर बनाकर रेडी कर लिया है और बहुत ही ये क्रिस्पी है फ्रेंड्स। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा रेसिपी को और मुझे भी आगे बढ़ने में प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें।